सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल एमए क्लासेस, मैं हूं सुनील कुमार। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं स्टूडेंट से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। मोस्टली स्टूडेंट को पढ़ाई में मन नहीं लगता, वे जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं कि पढ़ाई में मन लगे। अगर आप भी उसमें से एक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं तो सोचते हैं कि आज का समय तो यूं ही निकल गया, कल मैं 6 घंटा या 8 घंटे या 10 घंटे या कुछ भी मन में आप सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मैं उतने घंटे जरूर पढ़ूंगा। लेकिन फिर कल क्या होता है? कल भी वही होता है जो आज हुआ, कल भी आप नहीं पढ़ पाते हैं। चाहे कारण कुछ भी हो, मन में एक बहाना बनाते हैं, वो भी बहाना अपने आप से कि मैं आज इस कारण से नहीं पढ़ सका, कल जरूर पढ़ूंगा। ये बहाने पर बहाने, एक्सक्यूज पर एक्सक्यूज कब तक चलेगा? कहते हैं सफल लोग तरीके ढूंढते हैं और असफल लोग बहाने। कहीं आप बहाने ढूंढ रहे हैं, कहीं आप असफल तो नहीं होना चाहते? दोस्तों, ऐसे ही बहाने ढूंढते ढूंढते समय निकलते जाता है और आपको पता तक नहीं चलता। तो आप क्या करें कि आपको पढ़ने की इच्छा हो? दोस्तों, आप पढ़ाई को सेकेंडरी वर्क मानते हैं, आप प्राथमिकता तो किसी दूसरे कार्य को देते हैं। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, फेसबुक और व्हाट्सएप पर घंटों बिताना, घूमना फिरना इत्यादि को आप प्राथमिकता देते हैं। यही तो जड़ है कि आपको पढ़ने की इच्छा नहीं करता। जरा सोचिए, किसान खेत में काम करते हैं, मजदूर मजदूरी करते हैं, आपके पापा ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस संभाल रहे हैं, आपकी मम्मी किचन में काम करती है, क्यों? आखिर क्यों ये सभी अपना अपना काम कर रहे हैं? क्योंकि इन सभी लोगों को अपने अपने काम करने की वजह है। क्या आप पढ़ने की वजह कभी सोचा कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? या आपके मम्मी पापा ने किसी क्लास में एडमिशन करवा दिए और आप पढ़ते जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करने के पीछे अंतिम कारण कुछ और है। वह कारण आप ढूंढिए। आप पढ़कर क्या हासिल करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आप अपने लक्ष्य को केंद्र बिंदु बनाइए। आप हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए कि उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जिस दिन आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, मैं दावा करता हूं कि आपको पढ़ने में मन जरूर लगने लगेगा। आप सोचिए, किसी भी कीमत पर मुझे लक्ष्य हासिल करना है। अब लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत छोटे छोटे पड़ाव हैं। प्रत्येक पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करना है। एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। आप सोचिए, छोटे छोटे लक्ष्य क्या हैं और मुझे बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल करना है? बड़ा लक्ष्य ही आपके पढ़ने की वजह है। पढ़ाई को प्राथमिक कार्य बनाइए, बाकी सभी सेकेंडरी वर्क है। आप एक स्टूडेंट है, आपका इस उम्र में पढ़ना ही मुख्य कार्य है। छात्र जीवन में ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ाई में मेहनत कर दिए तो पूरा जीवन आपका उज्जवल होने वाला है। यदि छात्र जीवन में आप अपना कार्य नहीं कर पाए सही से तो पूरी लाइफ में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों ना आज से ही मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दें? क्यों मैं कल का इंतजार करूं? आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर पढ़ाई में मन लगने लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू।